हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। आई एम सुदीप्ता हियर। आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही यूनिक सा रेसिपी। आज मैं पमेरा प्लम फ्रूट, जिसे बंगाली में ताल कहते हैं, उसका पल्प का यूज करके पीठा बनाने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक पैन पे ले लिया है पमेरा प्लम यानी कि ताल फ्रूट का पल्प। अभी इसमें मिला दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा शुगर हाफ कप के करीब। इसे अच्छे से मिक्स करके कुछ देर इसको बॉईल कर लूंगी। चार पांच मिनट ये ताल के पल्प को अच्छे से बॉईल कर लेने के बाद अभी इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे कि मैं पमेरा प्लम यानी कि ताल का पाता से तो पीठा बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए हमें पाता यानी कि लीफ का जरूरत है। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ जैकफ्रूट लीफ यानी कि कटहल का पत्ता। आप लोग बनाना लीफ का भी यूज कर सकते हो। तो अभी इसको रेडी कर लेना है। तो ये लीफ का पीछे का हिस्सा मैं ऐसे काट दूंगी। और फिर इनमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल भी लगा दूंगी। तो पत्ता हमारा रेडी है, अभी रेडी कर लेंगे स्टफिंग। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है कॉटेज चीज यानी कि छाना, और साथ में मैं मिलाऊंगी स्वीटेंड खोया खीर, और अच्छे से ये सबको मिक्स कर दूंगी। आप लोग चाहो तो सेप छाना का या तो सेप खोआ खीर का भी स्टफिंग यूज कर सकते हो, या फिर कोकोनट का भी स्टफिंग बना सकते हो। और जैसे कि ये खोया खीर स्वीटेंड है, तो मैं एक्स्ट्रा शुगर का भी यूज नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे। हमारा स्टफिंग भी रेडी है, अभी पिठा के लिए बना लेंगे बैटर। ताल का पल्प हमारा ठंडा हो चुका है, अभी इसमें मिलाऊंगी राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। यहाँ पे मैंने 2.5 कप ताल का पल्प लिया है, और मैं मिलाऊंगी 2.5 कप के करीब राइस फ्लोर भी। थोड़ा थोड़ा करते हुए डालूंगी और इसे मिलाती जाऊंगी। क्योंकि ताल का पल्प बहुत ही गाढ़ा था, तो मैं थोड़ा पानी भी मिलाऊंगी। सो बैटर हमारा रेडी है। ये थोड़ा सा सख्त बैटर ही बनता है, बट बहुत सख्त नहीं बनना चाहिए एंड बहुत पतला भी नहीं बनना चाहिए। तो अभी बना लेंगे ताल का पत्ता से तो पीठा। पहले पत्ता लेके इसमें दूंगी बैटर इस तरीके से। बहुत ज्यादा किनारा तक नहीं आना चाहिए, तो ये निकाल के बाहर आ सकता है। सेम वे पे इधर भी। अभी इसमें भर दूंगी स्टफिंग। और फिर इसे ऐसे फोल्ड कर दूंगी। तो ये बन गया।
तरीके से भी आप बना सकते हो, जैसे कि पहले लेंगे पत्ता, उसमें देंगे बैटर, ये पत्ता में थोड़ा हल्का बैटर लगाऊंगी, एकदम पतला सा, और अभी इसमें दे दूंगी स्टफिंग। और दूसरा वाला पत्ता देके इसको कवर कर दूंगी। आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो। भर दूंगी स्टफिंग। और फिर इसको ऐसे बंद कर देंगे। आप कुछ स्टफिंग छोड़ के खाली भी बना सकते हो, और घी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बन गया ये भी और ये भी। इस तरीके से मैं कुछ और पीठा बना लूंगी। सो बहुत सारा पीठा बना लिया है मैंने, अभी ये सबको स्टीम करना है, जैसे हम मोमो स्टीम करते हैं। सो एक एक करके दे दूंगी पीठा। और अभी इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लेंगे 15 से 20 मिनट। पीठा हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है, ये पत्ता से ऐसे निकाल आया है, इसका ये साइन है कि पीठा हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है। तो अभी इसको उठा लेंगे एक एक करके। और अभी इसको कुछ देर ठंडा होने के लिए भी छोड़ देंगे। सारे पिठास को मैं निकाल चुकी हूँ, ये अच्छे से स्टीम हो गया है, अभी इसको कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो बन गया हमारा ताल पीठा। ये मेरे गांव में जो ताल का सीजन है, जो जुलाई एंड से लेके एकदम सितंबर एंड तक का होता है, उस टाइम पे बहुत तरीके का ताल पीठा बनता है। उनमें से मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ये पाता सेत। तो आप लोग भी इसे ट्राई कीजिएगा, ये डिफरेंट तरीके का पीठा, एंड एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।